स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे अक्टूबर में लगाई जाने वाली सब्जियां, जो कि हमने 8 से 10 सब्जियां को रखे हैं एक एक लाइन पे। किसान साथियों, हम उन्हीं सब्जियों को लेकर आए हैं जिसमें कम दिन में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाती है। किसान साथियों, इस समय पर बात करें मौसम की, तो मौसम किसान साथियों दिन में 40 से 45 हो रही है और रात के मौसम किसान साथियों हमारी 20 से अंदर हो जा रही है, मतलब 20 के ऊपर नीचे 25 मतलब टेम्परेचर रह रही है। तो किसान साथियों, ऐसे में हमको किन किन सब्जियों का चुनाव करना चाहिए, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। तो किसान साथियों, चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी संबंधित पर डे वीडियो को हम लेकर आते रहते हैं इसी चैनल के माध्यम से। किसान साथियों, जो हम फर्स्ट स्टेप पर हम रखे हैं, हमारी जो पहली फसल है इस समय पर अक्टूबर में लगाई जाने सब्जियाँ, वह है किसान साथियों हमारी हरी मटर की खेती। किसान साथियों, जो अगेती में लगी थी मटरें, वह कुछ उगठा के माध्यम से, कुछ फंगस के लगने से कुछ फसलें खराब हो चुकी है। लेकिन किसान साथियों, इस टाइम पे बात करें कि अक्टूबर सही समय मानी जाती है मटर की, मध्य अक्टूबर से, तो आप किसान साथियों अगेती में आप मटर की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, उसके लिए अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर एक मटर खेती की संपूर्ण जानकारी एंड टॉप 5 वैरायटी के बारे में जानकारी दिया गया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। किसान साथियों, ये तो रही हमारी पहली फसल। दूसरी फसल हमारी है किसान साथियों इस टाइम पे फूल गोभी की खेती, जो कि किसान साथियों आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, जो फूल गोभी की फसल होती है वह किसान साथियों 50 से 60 दिन में हमें हार्वेस्टिंग देती है और अच्छी खासी हमें हार्वेस्टिंग मिल जाती है। किसान साथियों, इस समय पे जो अक्टूबर में गोभी लगाई जाती है, अनेक वैरायटियाँ हैं जो कि अपने मौसम के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं। किसान साथियों, जो भी वैरायटियाँ हैं अपने एरिया के हिसाब से चयन कीजिएगा, जो कि सीजनल वैरायटी हो, इस समय पे आप गोभी खेती कर सकते हैं। चलिए हमारी तीसरी वैरायटी, तीसरी फसल क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किसान साथियों, इस टाइम पे आप प्याज की खेती कर सकते हैं। देख सकते हैं मार्केट में अच्छी खासी रेट रही है और इस टाइम पे भी मार्केट रेट उसकी अच्छी है, पूरी साल उसकी मार्केट तेज़ी ही तेज़ी है। इसलिए आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप जितने भी किसान बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, वह किसान साथी इस वीडियो को देख के आप समझ सकते होंगे कि हम उन्हीं फसलों को लेकर आए हैं जिसमें अच्छी खासी टॉप कमाई होती है। तो आप प्याज की खेती जरूर कीजिए। किसान साथियों, जो हमारी अगली फसल है चौथी फसल, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चौथी फसल हमारी आती है किसान साथियों इस टाइम पर लहसुन की खेती। किसान साथियों, आप तो जानते होंगे कि जो लहसुन वाली फसलें हैं किसान साथियों, उसकी भी मार्केट भाव शुरू से लेकर लास्ट तक इस टाइम पे भी देख सकते हैं, उसकी अच्छी खासी रेट भाव रही है। तो किसान साथियों, हम चाहेंगे कि जितने किसान बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, वह आप इस टाइम पे जो लहसुन की बुआई कर दें, क्योंकि जो हमारी आने वाली अगली फसलें हैं, जो आने वाले अगले दिन हैं, उनमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। किसान साथियों, किसी फसल को बुआई करने से पहले हमें खेत को अच्छे तरीके से जुताई कर लेनी चाहिए और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए, जिससे सड़ी हुई गोबर खाद डालने से क्या होती है, हमारी जो पैदावार होती है किसान साथियों वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है उसमें 25 से लेकर 30 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं पौधे के लिए। किसान साथियों, जो हमारी अगली फसल है, जो हमारी पाँचवा फसल है किसान साथियों इस टाइम पर, तो किसान साथियों आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, जो टमाटर की फसलें होती हैं वो हमें बुआई से 50 दिन तो बाद हार्वेस्टिंग देती हैं, लेकिन लगातार 180 दिन तक हमें हार्वेस्टिंग देना देती चलती है। हमें अच्छी वैरायटी की सिलेक्शन करनी पड़ती है। अगर आपको अच्छी वैरायटी नहीं चयन कर पाते हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है कि अक्टूबर में कौन सी टमाटर की वैरायटी लगाएं, टॉप 5 वैरायटी, उसमें हम जानकारी दिए हैं फुल बुआई से लेकर वैरायटी को सिलेक्शन करने तक, उसमें आप देख सकते हैं। तो आपको जानकारी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जानते हैं कि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे। तो हमारी जो 5 फसलें थी वो तो खत्म हो चुकी, अब हम आपको 5 फसलें ऐसी बताएंगे जो कि कम दिनों में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट देके जाए। किसान साथियों, जो हम पहले नंबर रखे हैं वो हमारी धनिया की खेती। किसान साथियों, जो धनिया की खेती होती है वो हमें कम दिनों में, यानी कि 30 से 40 दिनों में हार्वेस्टिंग हो जाती है और हमें कम दिनों में अच्छा खासा मुनाफा देके जाती है, क्योंकि धनिया की रेट में आप देखेंगे तो इस टाइम पर आपको 200 से लेकर 300 रुपये तक किलो मिल जाएगी। अगर आप मतलब देहात से मंडी से हैं तो आप धनिया खेती कर सकते हैं, या आप सब्जी मंडी मतलब मेन मार्केट से करते हैं मंडी से, तो आप भी धनिया खेती कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों जो धनिया खेती है वह बाज़ार में भी और मंडी में भी दोनों जगह बिकती है और अच्छी खासी रेट देकर जाती है। किसान साथियों, जो हमारे 7वें नंबर पे है, या इस टाइम पे हम कहें 2रे नंबर पर है,
हमारे वह है पालक की खेती। किसान साथियों पालक खेती जानते हैं कि 30 दिन के अंदर हार्वेस्ट हो जाती है और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखा जाती है। किसान साथियों सभी की अपने एरिया के हिसाब से चयन करनी है, लेकिन अगर हमारे हिसाब से करें तो आरके कंपनी की आप ले सकते हैं कोई भी पालक, या तो आप रोहित कंपनी की ले लीजिए, या तो आप वो हमारी जो वैरायटी है न्यूतन कंपनी की धरती, इस समय पे जो अपनी कंपनी को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है धरती नाम से बना रही है, उसको लिए कोई भी अनेक वैरायटियाँ लेकर आप बुआई कर सकते हैं पालक की। आप तीसरे नंबर पर रखे हैं हम मूली की खेती। किसान साथियों ये जितने भी फसलें आपको बताएंगे हम, ये 50 दिन के अंदर हमें हार्वेस्टिंग दे के चली जाएगी 40 दिन के अंदर। मूली तो आप जानते होंगे 30 से 35 दिनों में हमें हार्वेस्टिंग दे जाती है। किसान साथियों मूली की अगर बात करें तो आपके लिए हम कुछ वैरायटियाँ लेकर आए हैं जो कि मूली खेती इस टाइम पर कर सकते हैं। इस टाइम पर इस पालक पत्ता श्रीराम कंपनी जो 303 वैरायटी है वह वैरायटी आप ले सकते हैं। जो हमारे तीसरे नंबर पर किसान साथियों वो दो तीन वैरायटियाँ जो आप नेशनल के हिसाब से क्रिएट कीजिएगा। जो किसान साथियों हमारी अगली फसल आती है चुकंदर खेती कर सकते हैं, गाजर खेती।